समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रामभद्रपुर पंचायत अंतर्गत छगन टोली गांव में खाना बनाने के दौरान चूल्हे से निकली चिंगारी से 20 घर में आग लग गई, जिसमें लाखों की क्षति होने की बात सामने आई है। वहीं आग की घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि रात करीब 11 बजे आग की घटना हुई, जिस वक्त सभी लोग घर में ही सो रहे थे। हालांकि आग की लपटें देखते ही देखते इतनी तेज हो गई कि चंद मिनट में 20 घरों को अपने लपेटे में ले लिया, जिसके कारण घर में सोए ही एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। आग की घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। ग्रामीण पंप सेट के सहारे आग पर काबू पाने में जुट गए। वहीं कुछ लोगों ने इसकी सूचना कल्याणपुर थाने पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची थाने से अग्निशमन वाहन और स्थानीय लोगों की मदद से घंटों बाद आग पर काबू पाया जा सका। इसी आग की घटना में सोनेलाल राय, रविंद्र राय, कमलेश राय, रामकृपाल यादव, पंकज कुमार यादव, नीरज यादव, धीरज यादव, विद्यानंद राय, पांडो राय, शीला देवी, उमेश राय, जितेंद्र शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा, बिंदु देवी, अमित कुमार शर्मा, श्रवण राय, नंदकिशोर यादव, लक्ष्मी शर्मा, नवीन शर्मा, नरेंद्र शर्मा सहित 20 लोगों का घर शामिल है। लोगों का बताना है कि इस आग की घटना में इन सभी लोगों के घर के सामान जलकर राख हो गए हैं। गौरतलब है कि सोनेलाल राय की 65 वर्षीय माता किशुन देवी, कमलेश राय के 28 वर्षीय पत्नी संगीता देवी एवं उनकी 8 वर्षीय पुत्री गंगा कुमारी आग की घटना में बुरी तरीके से झुलस गई, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद कल्याणपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतकों को शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर के लिए भेज दिया है। समस्तीपुर से हमारे संवाददाता अरविंद कुमार की रिपोर्ट, CGTV 24 न्यूज़।